बड़े रिकॉर्ड पर था निशाना, लेकिन एक गलती ने गिल का कर दिया खात्मा। जीत की आहट के बीच चोट ने डराया। रोहित ने धमाका जारी रखा, कोहली ने रिकॉर्ड पारी खेली, टीम इंडिया ने वही रंग दिखाया। मैदान से बाहर नहीं जाते गिल तो आज बन जाता इतिहास। मैदान पर मौजूद सारा तेंदुलकर का निराश चेहरा हुआ वायरल। विराट को शून्य पर आउट करने को कीवी कप्तान ने मना लिया था जश्न, लेकिन थर्ड अंपायर ने दिया टीम इंडिया का साथ। मुंबई का बानखेड़े स्टेडियम, हजारों की भीड़ और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी तो दर्शकों को उम्मीद थी कि रनों की बरसात देखने को मिलेगी। कप्तान रोहित ने पहली ही गेंद से कीवी गेंदबाजों की खबर लेना शुरू किया और शुभमन गिल ने बाकी का काम आसानी से पूरा किया। विराट से विराट पारी की उम्मीद कर रहे फैंस को भी निराशा हाथ नहीं लगी और विराट ने जो कारनामा इतने बड़े मैच में करके दिखाया उसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। शुभमन गिल के साथ मैदान पर अनहोनी ने जरूर टीम के साथ साथ फैंस को टेंशन दे दी। वैसे तो हर किसी को उम्मीद थी कि आज गिल का शतक पूरा होगा, लेकिन 79 के स्कोर पर उन्हें चोट लगी और फिर उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। शुभमन गिल को क्रैम्प की समस्या के कारण रिटायर्ड हर्ड होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। मैदान से बाहर जाने से पहले गिल ने 65 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए। दर्शक उम्मीद ये भी जताने लगे कि वे इनिंग खत्म होने से पहले ही फिर से मैदान पर उतरेंगे और अपना शतक पूरा करेंगे। दूसरी ओर किंग कोहली अपनी विराट पारी से पहले एक विवाद का शिकार हो गए। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन आते ही विराट आउट होने वाले थे। दरअसल टिम साउदी ने पहली गेंद पर विराट के पैड्स को टारगेट किया। ये गेंद सीधे विराट के पैरों से भी टकराई। कीवी टीम ने बड़ी अपील की, लेकिन अंपायर ने न्यूजीलैंड की इस बड़ी अपील को नकार दिया। कप्तान केन विलियमसन यहां संतुष्ट नहीं हुए और इस वजह से उन्होंने रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये वो वक्त था जब बानखेड़े में अचानक शांति छा गई। स्टैंड्स में बैठी हुई विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा भी काफी चिंतित हो गई। कई रिप्ले चलाए जाने के बाद जब रिव्यू पर निर्णय सुनाया गया तो विराट को नॉट आउट करार दिया गया। दरअसल बॉल उनके बैट का एज लेकर के गई थी। विराट बच चुके थे और ऐसे में फिर से बानखेड़े स्टेडियम में तेज शोर सुनाई देने लगा। बात करें कप्तान रोहित की तो उन्होंने तेज तर्रार पारी खेलते हुए 29 गेंदों पर 47 रन जोड़े और टीम को तेज शुरुआत दी। वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टिम साउदी की गेंद पर आउटफील्ड में कैच आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने भी आज आते ही संभल कर खेला और विराट कोहली का भरपूर साथ निभाया। अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद श्रेयस ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में मैदान पर जश्न मनाया तो दर्शक भी झूम उठे। फिलहाल पहली पारी में सबसे ज्यादा चर्चा विराट कोहली की हो रही है, जिन्होंने सचिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।